आर्टिकल 370 एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव टॉपिक है, जिसे हम सब जानना समझना चाहते थे। और ऐसे में यामी गौतम की एक न्यू मूवी आती है जिसका नाम है आर्टिकल 370 जस्ट बिफोर इलेक्शन। और लोग बोलेंगे कि यार ये प्रोपेगेंडा मूवी है, जो बोलना है बोलो, लेकिन इस मूवी से आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आर्टिकल 370 क्या था, क्यों इम्पोर्टेंट था और क्यों इसको हटा दिया गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 370 ने पहले 2 दिन में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। देखिए, पहले दिन तो सिनेमा लवर्स डे था ऑन फ्राइडे, तो टिकट का प्राइस 99 रुपीज़ था। इस हिसाब से स्टिल मूवी ने 6 करोड़ के ऊपर कमाए फ्राइडे को। और अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को बहुत काफ़ी अच्छा जंप देखने मिला है, 9.5 करोड़ का। मतलब टोटल 2 दिन में ही आर्टिकल 370 ने 15 करोड़ कमा चुके हैं। और अगर हम बोले कि वीकेंड ख़त्म होने तक 25 करोड़ कमा लेगी या 25 करोड़ प्लस हो जाएगा, इट विल नॉट बी अ सरप्राइज़, क्योंकि एक ऐसी मूवी है जिसको देखना जानना सब लोग चाह रहे हैं। और परफॉर्मेंसेस भी भाई बहुत पावर पैक है और देखने में एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है, और ये सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। तो अगर आपने आर्टिकल 370 देखी तो आपको कैसे लगी, राइट ऑन दी कमेंट बॉक्स। क्या आपको लगता है ये मूवी 100 करोड़ प्लस क्रॉस कर पाएगी, लेट मी नो।